सो हेलो एवरीवन, क्या आपको भी इसी तरीके से एक दिन में एक VFX शॉट बनाना है इस टाइप का? तो हो जाइए रेडी और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंडिंग तक। तो आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम किस तरीके से VFX शॉट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्लेंडर चालू कर लूँगा VFX मोड पे। यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपने फाइल मैनेजर को, और जहाँ पर भी मेरी वीडियो या शॉट है मैंने इंसर्ट करके रख दी है, वहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। ओके, मैं डबल से करता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद डाउनलोड में, और यहाँ पर मैंने ये ओके, तो इसे मैंने इंसर्ट कर लिया है अपने डेस्कटॉप पे। ओके, सॉफ्टवेयर में, और मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेंडर 3.6.0। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है अपने फ्रेम्स को, और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ पहले कि कहाँ से कहाँ तक का मुझे चाहिए फ्रेम्स। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उतना ही शॉट ले रहा हूँ जितना जितने शॉट की मुझे ज़रूरत है। ओके, तो मुझे जितने शॉट की ज़रूरत है मैं यहाँ पर उतने ही शॉट रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर शॉट्स के अपने अकॉर्डिंग इन शॉट्स को कट कर लूँगा। जैसे कि मुझे चाहिए 340 से तो 700 के आसपास। यस, तो अभी मैं देख लेता हूँ, कहीं भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओके, यहाँ तक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ओके, और अभी वापस आता हूँ, नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पर 0.9 और यूज मास्क करूँगा, क्योंकि हमें मास्किंग भी यूज करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर प्ले करके देख लेता हूँ। ओके, ठीक चल, तो अच्छे से रंगे। ओके, तो ये मेरा शॉट है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपना शॉर्ट्स बना सकते हो, या फिर मैं इसी वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले करने के साथ साथ यहाँ पर हमारी वीडियो लोड भी हो चुकी है, प्रीफेच कर लिया मतलब। और उसके बाद में यहाँ पर मैं डिटेक्ट कर लूँगा ट्रैकर्स को, यहाँ पे अल्ट एस दबाने के बाद, अपने कीबोर्ड में अल्ट एस दबाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रैकर्स हो जाएगा हमारे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने वीडियो के फ्रेम रेट को सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसके कलर भी सेट कर देता हूँ स्टैंडर्ड। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ व्यूपोर्ट पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं सभी ट्रैकर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर कंट्रोल टी दबाने के बाद ये ट्रैकर्स अपना काम जरूर करेंगे। यहाँ पर ट्रैकर्स ट्रैक कर लेंगे अपनी पाथ को, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ट्रैकर्स को ट्रैक नहीं किया था अपने वीडियो शॉट में। तो यहाँ पर मैं इन्हें सब ट्रैकर्स को हटाने के बाद डबल से ट्रैक करूँगा। ओके, अभी हटा दिया, मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाऊंगा, जहाँ से हमारी फ्रेम स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो यहाँ सर हमारी 340 से हमारी फ्रेम स्टार्ट होने वाली है। मैं 340 कर देता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम, और डिटेक्ट करता हूँ हमारे ट्रैकर्स को। ओके, तो कंट्रोल टी, यहाँ पे सभी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबा दूंगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद यहाँ पर सभी ट्रैकर्स अपनी पोजिशन ट्रैक कर लेंगे, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन ट्रैक करते हैं मैं जाऊंगा सॉल्व में की फ्रेम्स, और यहाँ पर सभी ऑप्शन क्लिक कर दूंगा एंड सॉल्व कैमरा मोशन पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा सॉल्व एरर आ रहा है 0.18 पिक्सल, जो कि बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पॉइंट के अंदर ही आना चाहिए, 1.00 पिक्सल के अंदर अपना सॉल्व एरर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा। ओके, तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ और सेट एज बैकग्राउंड और सेटअप जमा देता हूँ अपना, जो भी रहेगा। यहाँ पर मैं अपने कुछ कीवर्ड अपना कुछ ट्रैकर्स को ट्रैक कर लूँगा, अगर प्ले करके देख लेता हूँ मैं पहले। ओके, बराबर चल रहा है। ठीक, इसके बाद अब मैं सेट कर दूंगा ओरिजिन्स को। सबसे पहले की ट्रैकर्स को सिलेक्ट करने के बाद, थ्री ट्रैकर्स सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे फ्लोर या फिर वॉल के हिसाब से, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सिस्टम किस हिसाब से यूज़
कर रहा है अपना। ओके तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, पेमेंट बराबर आ गया। ठीक, यहाँ पर मैंने ट्राई अपने हिसाब से सेट कर लिया। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कैमरा को अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कैमरा पे क्लिक करने के बाद मैं अपने हिसाब से इसकी लोकेशन सेट कर दूंगा, अपने क्यू और जो भी मेन ऑब्जेक्ट है उसकी। ठीक तो इस तरीके से आना चाहिए। ओके, थोड़ा जेड और लोकेशन पे सेट करने के बाद ओके ये सेट हो चुका है। और अब हमारी लोकेशन, हमारे ऑब्जेक्ट की सभी लोकेशन हमने सेट कर दी है। यहाँ पर मैं पोजीशन से बराबर सेट कर देता हूँ। यहाँ पे रोटेशन और लोकेशन सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन इधर उधर हो जाती है और ट्रैकर्स के भी पोजीशन इधर उधर होने के चक्कर में खिचड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं ट्रैकर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनकी स्केल दे दूंगा कि दो ट्रैकर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रैकर्स की बीच की जो भी लेंथ होगी वो सेट कर दूंगा। आप भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप सेट करने के बाद मैं जैसे ही प्ले करके देखता हूँ तो ये बराबर पोजीशन पे ही है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि क्यूब और प्लेन, वो हमारा ऑब्जेक्ट पर ही है। थोड़ा सा सेट करने के बाद में और अच्छे से हो जाएगा ये। यहाँ पर मैं मास्किंग में आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ और इमेज ओपन करने के बाद, ट्रैकिंग इमेज ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अब मास्किंग करूँगा और स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले वॉल सेट कर दिए, वॉल बना दिए है ना। यहाँ पर मैं वॉल के लिए भी थोड़ा सा रोटेशन कर दूंगा, उसको सही लोकेशन दे दूंगा एक, ताकि वो सही तरीके से सेट हो जाए। ओके, थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। कई अब अच्छे से सेट हो चुका है। मैं प्ले करके देख लिया है और अच्छे से चल रहा है हमारा वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो है हमारा मास्किंग। पहले आते हैं लेआउट पे। तो लेआउट पे आने के बाद में हम थोड़ा इसे अच्छे से सेट कर देंगे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे लोकेशंस पे रहे इसलिए हम अच्छे से सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के बाद मैं अब चेक करूँगा कि जो भी हमारा ड्रैगन का जो भी मॉडल है, जो भी हमें वहाँ पे रखना है, उसे डाउनलोड कहाँ से करें। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट पे चेक कर रहा हूँ, पर ब्लेंडर किट पे मुझे अच्छे से मिला नहीं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने वेबसाइट पे सर्च किया है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करने के बाद मैं स्केच फैब पे गया, पर वो शायद उसके लिंक पे एरर दे रहा था। तो यहाँ पर मैं सीजी ट्रेडर्स पे गया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रैगन्स के मॉडल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अपने हिसाब से एक ड्रैगन का मैश डाउनलोड कर लिया है, और वो रिग्ड भी है तो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा रिगिंग में। रिगिंग का वैसे मैंने एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ ड्रैगन का रिगिंग और एनिमेशन पे, आप चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे साथ तो मेरी यूट्यूब चैनल पे भी है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है ये मॉडल। ओके, डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसे डाउनलोड में जाकर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ओके, तो ये हमारा फोल्डर में आ चुका है। अब मैं डबल से ब्लेंडर में आने के बाद वहीं पर जाऊँगा जहाँ पर मैंने उस मॉडल को एक्सट्रैक्ट किया था। पहले मैं सेव कर देता हूँ अपनी VFX फाइल को। यहाँ पर इम्पोर्ट में जाने के बाद, FBX में जाने के बाद, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी मैंने ड्रैगन का सेव करके रखा है फाइल, उसे मैं ओपन कर लूंगा FBX में। पहले मैं FBX फाइल चेक कर लेता हूँ, FBX फाइल। ओके, ये रही रिसीव फाइल। ठीक, तो पहले मैं डबल से इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा ड्रैगन।
अभी मैं एपीएक्स में जहाँ पर भी मेरा फाइल सेव करके रखी थी वहां से मैं इसे इंसर्ट कर लूंगा। ये आ गया हमारा ट्राइगन, और इसे मैं ट्राइगन को एडजस्ट कर लूंगा अपने हिसाब से। जो भी लोकेशन आपको सूटेबल लगे, आप कैमरे के हिसाब से आप उसे दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रिग्ड है और इसकी बोन्स है क्या, और इसके साथ साथ इस ड्रैगन के एनिमेशन भी है, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। मैं हो सके तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर का जो भी है ड्रैगन का रिगिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एनिमेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं सूटेबल लोकेशन ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, इसलिए शायद अच्छा रहेगा ये लोकेशन, मैं चेक कर लूँगा, अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ मास्किंग के अंदर। यहाँ पर मैंने न्यू मास्किंग सिलेक्ट किया, और यहाँ पर अब मैं आप छोटा सा ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। जस्ट क्लिक कंट्रोल और राइट क्लिक करिए माउस पे, और जैसे आप करोगे तो ये पॉइंट्स बनेंगे। आप पॉइंट्स को कनेक्ट करना है अपने अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आपको ये जो भी फ्रेम्स हैं पर फ्रेम्स में आपको हर एक फ्रेम्स में अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अपने हिसाब से हर फ्रेम के हिसाब से अपने जो भी डॉट्स है उन्हें से वर्टेक्सेस है मैं आपसे अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन टाइप बन जाएगा जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर रहेगा उसकी मास्किंग बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो अभी मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आ गया मैं, और अपने हिसाब से अपने जो भी वर्टेक्सेस थे मैंने मास्किंग में अपने हिसाब से सेट कर दिए, और यहाँ पर एक एनिमेशन बना लिया। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो अपने हिसाब से वर्टेक्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें हर एक फ्रेम के हिसाब से सेट किया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ क्योंकि एक्यूरेट होना चाहिए। ओके,